जय श्रीमन नारायण मित्रों, जैसा कि आप जानते हैं कि महर्षि पाराशर द्वारा रचित बृहत पाराशर होरा शास्त्रम के अध्याय 54 की हम चर्चा अभी कर रहे हैं। इसके पहले के बहुत सारे वीडियोज हमारे youtube.com/balaji jyotish केंद्र पर अपलोड हैं, आप जा करके वहाँ पर देख सकते हैं। और हमारे आने वाले वीडियोज भी इसी चैनल पर आपको मिलेंगे, इसलिए आप अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तो ये सारे वीडियोज आपको देखने को मिलेंगे। इसमें ग्रह शांति अध्याय का बहुत विस्तृत रूप से वर्णन किया है महर्षि पाराशर ने, हम उसका भी वर्णन आगे करने वाले हैं। तो जैसा कि आप जानते हैं कि 1 से लेकर 22वें श्लोक तक 54वें अध्याय में हमने वर्णन किया है, जिसमें कि सूर्य की महादशा में सूर्य की अंतर्दशा, चंद्रमा की अंतर्दशा और मंगल की अंतर्दशा तक का वर्णन हमने कर लिया है। तो 23वें श्लोक से लेकर के और 31वें श्लोक तक 10 श्लोक लगभग राहु की अंतर्दशा के फल के विषय में महर्षि पाराशर ने बतलाया है, जिसका वर्णन अभी हम करने वाले हैं। ठीक है, तो सूर्य की महादशा में राहु की अगर अंतर्दशा आती है तो कहीं भी आप जाएंगे किसी भी ज्योतिषी के पास तो ज़्यादातर लोग अशुभ ही फल बतलाते हैं, परंतु आज हम इस बात को देखते हैं कि महर्षि पाराशर क्या कहते हैं कि सूर्य की दशा में अगर राहु की अंतर्दशा हो तो ये ऐसा राहु आपको किस प्रकार का फल देता है। तो चलिए देखते हैं। पाराशर उवाच, मैत्रेय ऋषि से महर्षि पाराशर कहते हैं कि सूर्यस्यांतर्गते राहो लग्नात् केंद्र त्रिकोणगे आदौ द्विमास पर्यंतम धननाशो महद्भयम् चौराही व्रण भीतिश्च दारपुत्रादि पीड़नम तत्परम सुखमाप्नोति शुभयुक्ते शुभांशके। कहते हैं कि शुरू में जब राहु आता है, सूर्य की महादशा में अंतरदशा में जब राहु आता है, तो ऐसा राहु यदि लग्न में अथवा चारों केंद्र में अथवा पांचवें नवें दोनों त्रिकोण में अगर राहु बैठा हो तो ऐसा राहु आदौ द्विमास पर्यंतम धननाशो महद्भयम् धन का नाश करवाता है शुरुआत के 2 महीने तक और महान भय लेकर के आता है। इतना ही नहीं, चौराही व्रण भीतिश्च दार पुत्रादि पीड़नम, चोरों से भय होता है ऐसे जातक को, व्रण मतलब रोग आदि जो है वो प्राप्त होते हैं, अर्थात घाव हो जाता है शरीर में, फोड़ा फुंसी आदि का डर होता है, और दार पुत्रादि पीड़नम पुत्र और पत्नी को भी कष्ट होने की संभावनाएं बढ़ जाती है, अर्थात ये पत्नी और पुत्र को भी कष्ट देता है। तत् परम सुखमापनोति, कहते हैं कि उसके बाद ऐसा राहु जो है वो जातक को थोड़ा बहुत सुख देता है, वो भी कब, जब शुभान सके शुभ अंश में बैठा हो अथवा किसी शुभ ग्रह के साथ में बैठा हो। अगले 25वें श्लोक में कहते हैं कि देहारोग्यम मनस्तुष्टि राज प्रीतिकरम सुखम लग्नाद उपचये राहो योग कारक समझुते। लग्न में और उपचय भावों में यदि राहु हो तो देह आरोग्य मनस्तुष्टि योग कारक समझुते, किसी योग कारक ग्रहों के साथ हो तो ऐसा फल देता है। और लग्न में और उपचय में यदि राहु हो और योग कारक ग्रहों के साथ हो तो ये राहु, ऐसा राहु आपको जातक को बहुत ही शुभ फल देता है। और 26वें श्लोक में महर्षि पाराशर कहते हैं कि दाये साध शुभ राशिस्थे राज सम्मानवादिषेद भाग्य वृद्धिम यशो लाभम दार पुत्रादि पीड़नम। कहते हैं कि ऐसा राहु भाग्य वृद्धि करवाता है, परंतु कब, जब ये ऐसा राहु दाये साध शुभ राशिस्थे, तो सूर्य से ऐसा राहु यदि किसी शुभ घर में बैठा हो तो राज सम्मानवादिषेद, राजा के तरफ से ऐसे जातक को सम्मान की प्राप्ति होती है, भाग्य की वृद्धि होती है, यश का लाभ होता है। परंतु फिर भी ऐसा राहु दार पुत्रादि पीड़नम, पत्नी और पुत्र को कष्ट देता ही है, परंतु पुत्रोत्सवादि संतोषम गृहे कल्याण शोभनम। कहते हैं कि ऐसा राहु पुत्र आदि के जैसे विवाह आदि का योग बनाता है, अर्थात
अच्छे उत्सवों का योग बनाता है, मानसिक संतुष्टि देता है, घर में हर प्रकार के प्रसन्नता के अवसर प्राप्त होते हैं रहते हैं। दाये साध धरी फस्ते रंध्रे वा बलवर्जिते बंधनम स्थाननाशम कारागृह निवेशनम चौराही व्रण भीतिश्च दार पुत्रादिवर्धनम चतुष्पाद जीवनाशम च गृह क्षेत्रादिनाशनम। कहते हैं कि अगर दाए साध अथ रिफस्थे रंध्रे वा बलवर्जिते, अगर महादशेश से अर्थात सूर्य से ऐसा राहु अगर आठवें या बारहवें घर में बलहीन होकर के बैठा हो, में निर्बल राहु यदि बैठा हो तो जेल यात्रा का योग बनवाता है, स्थान हानि कारावास निवास का योग देता है, चोर से भय देता है, सर्प से भय देता है, घाव करवा देता है, शरीर में फोड़ा फुंसी घाव आदि का हो जाना, स्त्री पुत्रों की लेकिन वृद्धि करता है उस समय में ऐसा राहु, और चौपाए पशुओं की हानि करवाता है, अचल संपत्ति का नाश करवाता है, और शरीर में पेचिश आदि जैसी बहुत भयानक पीड़ा देता है। ठीक है, गुल्म क्षयादि रोगश्च यति सारादि पीड़नम, इस प्रकार का रोग राहु देता है। परंतु यदि कहते हैं महर्षि पाराशर तीसवें श्लोक में कि द्विसप्तस्थे तथा राहो तस्थानाधिप समझुते अपमृत्यु भयम चैव सर्प भीतिश्च जायते, अगर राहु आपकी कुंडली में सूर्य की दशा में राहु की अंतरदशा चल रही हो और अगर आपकी कुंडली में ऐसा राहु दूसरे या सातवें घर में बैठा हो या फिर दूसरे और सातवें घर के मालिक के साथ बैठा हो तो निश्चित रूप से ऐसा राहु जातक को अपमृत्यु करने पर यानी अपघात करने पर अथवा एक्सीडेंट करवा के किसी भी तरह मृत्यु को प्राप्त करवाने को विवश कर देता है। सर्प से भय करवाता है, सर्प दंश से भी मृत्यु करवा सकता है ऐसा राहु। परंतु महर्षि पाराशर अपने 31वें श्लोक में स्पष्ट रूप से इस गलत फल देने वाले राहु का उपाय बतलाते हैं और बहुत सहज उपाय बतलाते हैं। आप करते हैं परंतु जानकर समय से करें तो उस उपाय से आपके राहु की अशुभ दशा शुभ दशा में परिवर्तित हो जाएगी, आपके जीवन के कष्टों की निवृत्ति सहज ही हो जाएगी। कहते हैं महर्षि पाराशर कि दुर्गा पाठम प्रकुर्वीत छागदानम समाचरेत कृष्णाम गाम महिषिम दद्यात शांतिमाप्नोत्य संशयम्। कहते हैं कि दुर्गा पाठ करवाना चाहिए। अब ये आप सोच के बैठे हैं कि नवरात्रि में तो पंडित जी आए थे दुर्गा पाठ करके गए, वो वाला पाठ नहीं करवाना है, विधिवत चंडी पाठ करवाइए स्पेशल जब आपके ऊपर शुभ राहु की दशा चल रही हो या उपरोक्त जो मैंने वर्णन किया इस प्रकार का कोई भी कष्ट आपके जीवन में हो रहा हो तो स्पेशली चाहे कोई भी दिन चल रहा हो अच्छा मुहूर्त देख करके चंडी पाठ करवाइए और संपुटित करवाइए और ग्रहणाम दोष शांति अर्थे राहु दोष शांति अर्थे दुर्गा पाठम हम कारयिष्ये, इस प्रकार का संकल्प करवा करके करवाइए, किसी श्रेष्ठ आचार्य ब्राह्मणों से करवाइए। बस पंडित जी तो चाइना वाले दक्षिणा के काबिल हैं, ऐसा सोच के करवाएंगे तो कुछ होने वाला नहीं है। ठीक है, चाइना का माल सस्ते में खरीद खरीद के आदत हो गई है ना हमारी, तो ऐसा काम नहीं चलेगा। अच्छा दक्षिणा दीजिए, अच्छे ब्राह्मण को बुलाइए, विधिवत पाठ करवाइए, राहु के दोष की शांति हो जाएगी आपकी। और राहु यदि प्रसन्न होता है तो राजा से सीधा कांटेक्ट करवाता है और मंत्री भी आपको बनवा सकता है, विधायक बनवा सकता है, इसलिए राहु की शांति के लिए आप चंडी पाठ करवाइए विधिवत। और दूसरा उपाय बतलाते हैं कि छागदानम समाचरेत, भेड़ बकरियों का भी दान कर सकते हैं। दूसरा तीसरा उपाय बतलाते हैं कृष्णाम गाम काली गाय का दान कीजिए, इससे भी राहु प्रसन्न होता है और शुभ फल देता है। तथा च महिषिम दद्यात, ठीक है, भैंस का भी दान कर सकते हैं। तो गाय का भी कीमत 60-70 लाख 70 हज़ार 1 लाख लगभग हो गया है और भैंस तो 1.5 लाख के पार हो गई है, तो उससे बढ़िया है कि चंडी पाठ करवाइए, पंडित जी को 11,000-21,000 दक्षिणा दे देंगे तो वो तो एकदम बल्ले बल्ले हो जाएगा उनकी और आपकी भी। तो दुर्गा पाठ करवाइए, सबसे सस्ता और बढ़िया उपाय है और आपकी शांति राहु की
अवश्य ही हो जाएगी, इसमें कोई संशय नहीं है। अच्छा ब्राह्मण आपको मिलना चाहिए, ठीक है। तो इस प्रकार हम आने वाले और आगे के वीडियोज में ग्रह शांति का विधिवत रूप से वर्णन करेंगे। वैसे balajijyotish.com मेरा वेबसाइट है, उस पर आप जाएंगे तो आपको और भी बहुत सारे उपाय मिल जाएंगे राहु की शांति के लिए, सारे ग्रहों की शांति के लिए, ठीक है। तो आप वहाँ विजिट कीजिए। और youtube.com/balajijyotishkendra ये मेरा चैनल है, इसको मत भूलिए और इस पर आप विजिट कीजिए। यहाँ पे आपको आने वाले समय में ग्रह शांति अध्याय का हम वर्णन करेंगे, जिसमें महर्षि पाराशर ने प्रत्येक ग्रहों की शांति के लिए बहुत विस्तृत वर्णन किया है। तो वो वीडियो जो आपको मिले इसलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि आपके मित्र और परिवारजनों में सुहृदजनों को भी लाभ हो इसका। जय श्रीमन्नारायण।